इंदौर नगर निगम स्वच्छता में चौका लगाने की तैयारी में जुटा है। इसी बीच अब नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 56 दुकान को विश्व स्तरीय स्मार्ट मार्केट बनाने जा रहा है। 4 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मार्केट को नो व्हीकल जोन करने, उसका सौंदर्यीकरण करने और कला एवं संगीत के छोटे कार्यक्रम के लिए माहौल उपलब्ध कराने योग्य बनाएगा। बताया जा रहा है कि संक्रांति पर इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही नगर निगम समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए टाइमर लगाएगा ताकि पता चल सके कि काम खत्म होने में कितना समय बचा है। देखिए, 56 दुकान एक बहुत ही कहें कि जो अपने शहर की बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। राजवाड़ा, 56 दुकान, सराफा ऐसी जगहें हैं जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है, इवन जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बार वहाँ पर जाते हैं। तो उसको एक विश्व स्तरीय रूप दिया जाए और स्मार्ट सिटी के तहत उसको बहुत ही स्मार्ट बनाया जाए और साथ में उसमें जितने भी स्थानीय तत्व हैं, कला के, संस्कृति के, लोगों की जो स्वाद से जुड़े हुए हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। ये हम लोगों ने प्लान बनाया था और एक प्लान हम लोगों ने सर्कुलेट भी किया था सभी जनप्रतिनिधियों के बीच में। इसके अलावा जो वहाँ के स्थानीय जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी शॉप ओनर्स हैं, उनके साथ भी बैठकर हमने उनके साथ में चर्चा करके एक प्लान को फाइनल किया है। इसके तहत हमने ये निर्णय लिया है कि उसको हम लोग नो व्हीकल जोन बनाएंगे और उसके लिए जो आसपास की दो पार्किंग की जगहें हैं, एक जस्ट बगल में सामुदायिक भवन और एक बहुत बड़ा मैदान पड़ा हुआ है, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। एक जो स्वामी विवेकानंद स्कूल का ग्राउंड है, अनयूज्ड अभी जितना हिस्सा है उसका हम लोग यूज़ करेंगे, वहाँ पर पार्किंग करेंगे। उसमें पूरे एरिया में हम लोग बहुत अच्छी कैनपीज डेवलप कर रहे हैं, खाने की जो है स्थान बना रहे हैं, वाटर बॉडीज क्रिएट कर रहे हैं और पूरा का पूरा एरिया ऐसा होगा कि जिसमें व्यक्ति आए, आधा घंटा एक घंटा बिताकर वहाँ पर जाए और साथ में वहाँ के व्यंजनों का भी आनंद ले सके। इस संबंध में सभी से चर्चा करने के बाद में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आगामी जो संक्रांति है उससे हम लोग इस काम को शुरू करेंगे। इसमें एक अन्य जो महत्वपूर्ण इस बार हम लोग नया प्रयोग करेंगे कि कितने दिन लगने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को करने में, हम लोग पहले से असेस करेंगे और उसी स्थान पर एक टाइमर भी लगाएंगे जो ये बताएगा कि कितने दिन बचे हुए हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। स्मार्ट सिटी के तहत मेरी हमेशा से ये प्लानिंग रही है कि हम लोग एक टाइम फ्रेम में लेकर प्रोजेक्ट्स को आएँ, टाइम फ्रेम में ही पूरा करें। पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा और मुझे लगता है कि इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम लोग टाइमर यूज़ करेंगे। टाइमर के हिसाब से 1.5 से 2 महीने के बीच में जो भी हम लोग अभी समय सीमा तय करेंगे उसके बीच में इस काम को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। क्योंकि अभी लगभग जो पूरा का पूरा हमारा स्ट्रीट डेवलपमेंट का है, लगभग 4 करोड़ के आसपास का बजट जो है वो प्राइमा फेसी आया है, इसी के आसपास रहेगा और इसका एक वॉक थ्रू वीडियो भी हम लोगों ने बनाया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट किया जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।